नमस्ते एडियो वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फोर ईयर सीरीज़ के रिगार्डिंग मेरे प्यारे वीवर्स देखिए हमारा एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू सीरीज़ करके उसमें कई टॉपिक्स पर हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है तो अगर आप वो प्ले चेक करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और अगर आप फोर ईयर सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी एक प्ले है हमारे पास उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड टेन एक्स इज देखिए बेसिकली फोर ईयर सीरीज में पीरियोडिक फंक्शंस की बात की जाती है ओके तो यहाँ पर हम लोग कुछ फंक्शंस लिए हैं ओके उसका पीरियड बताना है देखिए अगर हम लोग साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड होता है टू पाई ओके और अगर हम लोग टेन एक्स की बात करें तो इसका पीरियड होता है पाई देखिए ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है टू पाई एंड पाई ऑप्शन बी है टू पाई टू पाई ओके ऑप्शन सी है आपका पाई पाई बाई टू ओके एंड ऑप्शन डी है आपका पाई बाई टू और पाई तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा क्योंकि साइन एक्स का टू पाई होता है पीरियड और टेन एक्स का पाई होता है देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं ए नॉट ए वन ए टू ओके बी वन बी टू बी थ्री बी एन इन फोर ईयर सीरीज आर कॉल्ड एज क्या कहते हैं ये जो यहाँ पर ए नॉट है ए वन है बी वन बी एन ओके इसे क्या कहते हैं फोर ईयर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं फोर ईयर कहते हैं फोर वैल्यूज कहते हैं या इनमें से कोई नहीं देखिएगा थोड़ा सा यहां पर समझिएगा मेरे प्यारे व्यूवर्स होता क्या है फोर ईयर सीरीज कुछ ऐसा एक एक्सपेंशन होता है इस प्रकार का दिखता है ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स ओके अपटो ए एन कॉस एन एक्स प्लस प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स ओके अप टू बी एन साइन एन एक्स ठीक इस प्रकार का इसे ही कहते हैं हम लोग फोर ईयर सीरीज यहाँ पर ये जो ए नॉट है ए वन है ए टू है ए एन है बी वन है बी टू है ओके okay? ये सब ये सब क्या है ये सब है फोर ईयर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है इन्हें कहते हैं हम लोग फोर ईयर ठीक ओके इसे हम लोग फोर ईयर भी कहते हैं ठीक फोरियर कॉफिशेंट्स भी कहते हैं सो so, यहाँ पर देखिएगा अपने पास क्या गिवन है ए नॉट ए वन ए टू बी वन बी टू बी थ्री बी एन इन फोर सीरीज आर कॉल्ड एज क्या कहते हैं फोर कांस्टेंट्स भी कहते हैं और फोर ईयर भी कहते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिचलेट्स कंडीशन फॉर फोर सीरीज देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग लिए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डिचलेट्स कंडीशन के लिए सही है देखिए होता क्या है प्यारे व्यूवर्स कि कोई भी फंक्शन एफेक्ट्स जो एक किसी एक इंटरवल मान लीजिए जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू पाई अगर इस इंटरवल में गिवन है तो इस फंक्शन का फोर ईयर सीरीज निकाल सकते हैं हम लोग ओके okay, उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है जो ड्रिचलेट ने स्पेसिफाई किया ओके okay, वो कंडीशंस में सबसे पहले होता है कि जो आपका फंक्शन है ना वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए दूसरा फंक्शन आपका बाउंडेड होना चाहिए तीसरा फंक्शन के पास जो नंबर ऑफ मैक्सिमा होगा और नंबर ऑफ मिनिमा होगा वो फाइनाइट होना चाहिए साथ ही साथ फंक्शन के पास जो नंबर ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी होगा वो भी फाइनाइट होना चाहिए इसे कहते हैं डिचलिट्स कंडीशन ओके okay, तो यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं थोड़ा देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिचलिट्स कंडीशन फॉर फोर ईयर सीरीज ओके सो बेसिकली फोर ईयर सीरीज के लिए डिचलिट ने कुछ कंडीशंस दिया उनमें से यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या है इज सिंगल वैल्यूड ऑप्शन बी है इज बाउंडेड ऑप्शन सी है हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिम एंड मिनिम ऑप्शन डी है हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी एंड ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अव देखिए ये चारों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है सो ऑप्शन नंबर ई को हम लोग करेक्ट लेंगे ऑल ऑफ द अवव क्योंकि डिस्लिट कंडीशन कहता है कि जो फंक्शन जिसे फोर ईयर सीरीज में एक्सपेंड कर रहे हैं जिसका फोर ईयर सीरीज निकाल रहे हैं पता कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए बाउंडेड होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम फाइनाइट होना चाहिए और डिस्कॉन्टीन्यूटी भी फाइनाइट होना चाहिए ये अपना थर्ड क्वेश्चन था अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर देखिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटीग्रल जीरो टू टू पाई कॉस स्क्वायर एनएक्स डी एक्स देखिए जब हम लोग फोर ईयर सीरीज पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें कुछ इंटीग्रल्स फॉर्मूला का वैल्यूज गिवन होता है और वो जब हम लोग एक्सपेंशन पता कर रहे होते हैं वहाँ पर ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यूज निकाल रहे होते हैं यूलस फॉर्मूला की मदद से ओके okay? तब इन इंटीग्रल्स के वैल्यूज़ का वहाँ पर डायरेक्ट प्रयोग हो हम लोग करते हैं ओके okay, अगर इनका वैल्यूज़ हमें याद होता है तो तो उन्हीं में से एक इंटीग्रल यहां पर हम लोग लिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर इंटीग्रल ज़ीरो टू टू पाई कॉस स्क्वायर एनएक्स डी देखिए कॉस स्क्वायर एनएक्स डी आपका पाई से इक्वल होता है ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए है पाई ऑप्शन बी है जीरो ऑप्शन सी है टू पाई और ऑप्शन डी है माइनस वन सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिए गिवन फॉर्मूला फॉर्मूलाज बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर देखिए यहां पर हम लोग ऑप्शन में कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं हमें बताना इनमें से कौन सा जो है यूलस फार्मूला है ऑप्शन ए है ए नॉट इज इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रल जीरो ऑप्शन बी है आपका ए एन इज इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रल जीरो टू टू fx एफ एक्स कॉस एन एक्स ऑप्शन सी है आपका बी एन इज इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रल जीरो टू टू fx एफ एक्स साइन एन एक्स एंड ऑप्शन डी है आपका ए बी सी मतलब ये तीनों करेक्ट है देखिए यहाँ पर आपको हम लोग बताएं कि ये जो ए नॉट है ए वन है ए टू है ओके ये सब क्या है फोरियर कांस्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स है इसे फोरियर ईयर कॉफिशेंट्स भी कहते हैं अब बात रही कि ये फोर ईयर कॉन्स्टेंट्स का फोर ईयर का वैल्यूज़ हम लोग पता करेंगे कैसे तो देखिए इनके वैल्यूज़ को पता करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होता है जैसे अगर ए नॉट का वैल्यू निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है वन बाई पाई इंटीग्रल अगर आपका इंटरवल जीरो से टू पाई है तो ज़ीरो से टू पाई ले लीजिए अगर माइनस पाई से पाई है तो माइनस पाई से पाई ले लीजिए ओके एफ एक्स डी एक्स इस फार्मूला की मदद से आप ए नॉट निकाल सकते हैं अगर ए एन पता करना है तो फार्मूला ये यूज कीजिए वन बाई पाई इंटीग्रल ज़ीरो टू टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स अगर बी एन पता करना है तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए वन बाई पाई इंटीग्रल ज़ीरो टू टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स ओके और ये जो तीन फार्मूलाज है ए an ए एन बी एन पता करने का इन्हीं कहते हैं यूलस फॉर्मूला ओके और ये तीनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है ये भी करेक्ट है आपका ये नोट निकालने का फॉर्मूला बी वाला भी करेक्ट है और सी वाला भी सो so, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा क्योंकि तो ये तीनों ही क्या है यूलस फॉर्मूला है ओके अब आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ सिक्स क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंगज टू फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो एक्स लेस देन टू पाई ओके जीरो ओके ए नॉट ऑप्शन में देखिए क्या क्या है ए नॉट इज इक्वल टू टू पाई एंड ए एन इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन बी है बी एन इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन सी है एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टू साइन एक्स प्लस वन बाई टू साइन टू एक्स प्लस वन बाई थ्री साइन थ्री थ्री एक्स एंड डॉट 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 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस देखिए यहाँ पर अपने पास एक फंक्शन गिवन है जिसका इंटरवल भी अपने पास गिवन है हमें बताना है इस फंक्शन के लिए यहाँ पर ये यह जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से क्या क्या ट्रू है तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं देखिए हम लोग फोर ईयर सीरीज में दो तरह के फंक्शंस पढ़ते हैं ओके दो तरह के एक को कहते हैं इवन फंक्शन ओके और एक को कहते हैं ऑड फंक्शन ठीक एक को कहते हैं इवन फंक्शन और एक को क्या कहते हैं ऑड फंक्शन देखिए इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है ठीक इवन फंक्शन क्या होता है सिमेट्रिक होता है बट ऑड फंक्शन स्क्यू सिमेट्रिक होता है ठीक स्क्यू सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे fx है ना fx ठीक अगर हम लोग इस fx में x की जगह पर -x रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो fx से ही इक्वल आएगा लेकिन ऑड फंक्शन में अगर हम लोग इस एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दे तो आपका फंक्शन माइनस एफ एक्स हो जाएगा ठीक इवन फंक्शन में जो फोरियर सीरीज निकलता है ना मेरे प्यारे विवस वो केवल और केवल कोसाइन टर्म्स कंटेन करता है केवल और केवल कोसाइन टर्म्स मतलब ये है कि इवन फंक्शन में हम लोग केवल और केवल ए नॉट और ए एन के वैल्यूज को पता करते हैं इसमें बी एन का वैल्यू ज़ीरो से इक्वल होता है मतलब बी एन हमें कैलकुलेट नहीं करना होता लेकिन वहीं ऑड फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें केवल और केवल साइन टर्म्स होते हैं ओके okay, और यहाँ पर हमें केवल और केवल बी एन कैलकुलेट करना होता है ठीक ए नॉट और ए एन ज़ीरो होता है पहले से ठीक तो अगर आप यहां पर जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इसको अगर आप चेक करते हो एक्स कर की जगह माइनस एक्स रख करके तो आप देखो एफ एक्स माइनस एक्स में बदल गया है ना मतलब ये जो गिवन है ये क्या है ये ऑड फंक्शन है ठीक ये ऑड फंक्शन है ठीक है अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ए नॉट इज इक्वल टू टू पाई है एंड ए एन इज इक्वल टू जीरो है चूंकि ये ऑर्ड फंक्शन है तो ए नॉट और ए एन दोनों जीरो होना था तो ऑप्शन ए तो आपका ट्रू नहीं है अगर आप ऑप्शन बी देखो तो बी एन इज इक्वल टू जीरो गिवन है लेकिन हम लोग क्या कहें ऑर्ड फंक्शन के, के केस में हमें केवल बी एन ही कैलकुलेट करना होता है बी एन जीरो से इक्वल कैसे हो सकता है ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है अगर ऑप्शन सी देखो तो ये एक्सपेंशन गिवन है एफेक्ट्स का जो फुल्ली साइन के टर्म्स में है ओके okay, तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ जो गिवन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है ओके okay, और ऑड फंक्शन में जो फोर सीरीज होता है वो केवल साइन टॉर्म्स कंटेन करता है जैसे यहाँ पर साइन टॉम्स हम लोग लिखे हैं तो ऑप्शन सी में भी करेक्ट हो सकता है तो इसको हम लोग ले करेक्ट लेकर के चलेंगे यहाँ पर ये यह जो गिवन फंक्शन है उसके लिए केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ठीक अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट वही पीरियड के रिगार्डिंग लिए हैं क्या है द पीरियड ऑफ साइन एफ एक्स इज साइन एफ एक्स माफ़ कीजिएगा साइन फाइफ एक्स का पीरियड क्या होगा ये हमें बताना है फिर क्वेश्चन नंबर एट में द पीरियड ऑफ टेन टू एक्स इज टेन टू एक्स का पीरियड क्या होगा ओके तो यहाँ पर सबसे पहले साइन फाइफ एक्स का देखते हैं जैसे साइन फाइव एक्स है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो साइन टू पाई प्लस फाइव एक्स ओके इस प्रकार से या फाइव एक्स को आगे ही रखते हैं साइन फाइव एक्स प्लस टू पाई ठीक फिर साइन फाइव एक्स प्लस टू पाई बाई फाइव कुछ ऐसा ओके okay. यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि पीरियड टू पाई बाई फाइव निकल के आएगा ना हाँ हाँ टू पाई बाई फाइव निकल के आएगा ऑप्शंस में है पाई बाई फाइव टू पाई बाई फाइव थ्री पाई बाई फाइव एंड नन ऑफ दी सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा उसी प्रकार से टेन टू एक्स का पीरियड निकाल लीजिए टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस पाई ले लेते हैं इसमें है ना क्योंकि तो पाई के केस में ही टेन टू एक्स आएगा ना टू पाई नहीं लिया जा सकता यहाँ पर ओके सो टेन टू एक्स प्लस पाई बाई टू लेते हैं ठीक सो so यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा है ना तो इसका टेन टू एक्स का जो पीरियड होगा वो पाई बाई टू होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है अब आते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन नंबर एट था क्वेश्चन नंबर नाइन ले लेते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इस पॉइंट रिलेटेड टू इवन फंक्शन कुछ देर पहले ही हम लोग इवन और ऑड फंक्शन का डिस्कशन किए हैं आपको बताए हैं तो आइए देखिए इनमें से कौन सा पॉइंट पांच पॉइंट है इवन फंक्शन के लिए मैं ट्रू uh, है या इवन फंक्शन से रिलेटेड है ये बताना है ऑप्शन ए है इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक बिल्कुल इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एफ एक्स ही मिलता है ए वाला ट्रू है बी वाला क्या है द ग्राफ ऑफ सच फंक्शन आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बिल्कुल देखिए इवन फंक्शन में जो y एक्सिस है ना वो आपका मिरर की तरह एक्ट करता है कुछ इस प्रकार का आपको जो है ग्राफ मिल मिलेगा अगर आप बनाएंगे तो है ना y एक्सिस इधर एकदम मिरर की तरह एक्ट करेगा y एक्सिस आपका ठीक अगर आप इसको इधर ऐसे बढ़ाएंगे तो इसको भी आप इधर ऐसे बढ़ाइए एकदम मिरर की तरह एक्ट करेगा वाई एक्सिस ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है कि जो ग्राफ होता है फंक्शंस का वो सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑप्शन नहीं होता है हम लोग बताए थे स्क्यू सिमेट्रिक होता है ओके सो okay? so ये तो ट्रू नहीं है ऑप्शन डी क्या है सीरीज ऑफ इवन फंक्शन विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स बिल्कुल सही है ये कोसाइन टर्म्स कंटेन करता है इसमें हमें ए नॉट और ए एन के वैल्यूज को ही कैलकुलेट करना होता है बी का वैल्यू जीरो होता है ऑप्शन ये आपका सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन विल कंटेन ओनली साइन टर्म्स तो यहाँ ऑड फंक्शन की बात कर दिया है तो ये तो करेक्ट होगा ही नहीं सो so, यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है और ए वाला करेक्ट है बी वाला करेक्ट है और डी वाला करेक्ट है सो ऑप्शन ए बी और डी आपका करेक्ट होगा अब आते हैं कहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑड हमें बताना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा ऑड फंक्शन तो चेक कर लीजिए एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखिए और चेक करके देखिए ओके okay, अगर यहाँ पर देखें तो ये ऐसे आएगा सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऑड फंक्शन है दूसरा वाला चेक करते हैं यहाँ पर माइनस एक्स रखिए कॉस माइनस एक्स तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स इट मीन्स एफ एक्स यहाँ पर माइनस एफ एक्स में बदल रहा है ऑप्शन बी भी ऑड फंक्शन है ऑप्शन सी को चेक करिए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्सर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो डैट इज एक्स स्क्वायर ऑप्शन सी आपका इवन फंक्शन है और डी ऑफ दीज है तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑड फंक्शन सो ऑप्शन ए और बी आपका करेक्ट होगा ये दोनों ही ऑड फंक्शन है जो क्राइटेरिया था उसको सेटस्फाई कर रहा है अब आते हैं अपने इलेवेंथ क्वेश्चन की तरफ एलेवंथ क्वेश्चन क्या है विच ऑफ दू फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस इक्वल टू पाई यहाँ देखिए हमें जो है एक फंक्शन गिवन है जिसका इंटरवल भी गिवन है हमें बताना है कि यहाँ ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है ऑप्शन ए द सीरीज कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स ऑप्शन बी है ए नॉट इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर बाई थ्री ऑप्शन बी है बी एन इज इक्वल टू जीरो एंड ऑप्शन डी आपका फोर ईयर एक्सपेंशन गिवन है देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पर क्या गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम लोग चेक करेंगे जैसे यहाँ पर चेक किए थे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को चेक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है ना ये इवन फंक्शन है ईवन फंक्शन है मतलब इसमें केवल और केवल कोसाइन टर्म्स होगा ओके okay. साथ ही साथ बी का वैल्यू उसमें जीरो से इक्वल होगा ठीक सो ऑप्शन ए अगर देखे तो ये कह रहा था कंटेंस ओनली साइन टर्म्स तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है ऑप्शन बी में देखें तो ए नॉट का वैल्यू है ए नॉट का वैल्यू तो निकालना ही है अब ये वैल्यू है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा ऑप्शन सी में देखें बी एन इज इक्वल टू जीरो बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा क्योंकि कोसाइन टर्म्स है तो बी एन जीरो से इक्वल होगा ऑप्शन डी में देखें तो कोसाइन टर्म वाला ही एक्सपेंशन गिवन है हमारे पास ओके okay. और अगर आप देखो तो चूंकि चूंकि चूँकि अगर आप गौर से देखो तो एक्सपेंशन में ए नाट बाई टू होता है अगर ए नाट का वैल्यू हम लोग ये ले तो ये इसको सेटिसफाई करेगा अगर आप देखो गौर से तो ए नाट का वैल्यू अगर यहाँ टू पाई स्क्वायर बाई थ्री इंटू टू ले लें तो टू टू कैंसिल होगा पाई स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा तो ये कह सकते हैं कि ए नाट वाला ये करेक्ट होगा ओके okay, साथ ही साथ ये एक्सपेंशन भी करेक्ट होगा सो ऑप्शन बी और डी आपका यहाँ पर करेक्ट है अब आते हैं अपने ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ बारहवा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं बारहवा क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस पाई ले दिन एक्स लेन पाई देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछता है है ना सो so यहाँ पर सेम अपने पास फंक्शन गिवन है इंटरवल गिवन है हमें बताना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है अगर आप देखो तो कुछ देर पहले ही हम लोग इसको चेक किए हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स को ऑड फंक्शन था ऑड फंक्शन है तो केवल और केवल साइन टर्म्स होगा एक्सपेंशन में ओके okay, साथ ही साथ ए नॉट और ए एन का वैल्यू जीरो से इक्वल होगा बी एन कैलकुलेट करना होगा हमें अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए अगर आप देखो तो एक्स कॉस एक्स के लिए जो एक्सपेंशन गिवन है ना इसमें केवल साइन टर्म्स है तो मे भी ये करेक्ट होगा ऑप्शन बी में देखो बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो है चूंकि ये ऑड फंक्शन है तो बी एन जीरो से इक्वल नहीं हो सकता है तो ये रॉन्ग है अब ऑड फंक्शन है तो ए नॉट और ए एन तो जीरो होना ही है ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन डी को अगर आप देखो तो क्या है द सीरीज कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स तो ये भी करेक्ट होगा तो मे बी अगर आप देखो तो सी और डी तो करेक्ट है निश्चित है है ना थोड़ा फोर ईयर एक्सपेंशन हमें चेक करना होगा बट अकॉर्डिंग टू मी ये भी करेक्ट होगा ठीक है सो इसमें ऑप्शन ए सी और डी ये तीनों ही करेक्ट है